राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अक्सर ही अपने शो कौन बनेगा करोड़पति 15 में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अब उन्होंने शो के लेटेस्ट एपिसोड में बताया कि वो एक्टिंग नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, पर उन्हें अपने लंबे पैरों की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था। शो के दौरान अमिताभ ने कंटेस्टेंट जितेंद्र कुमार से पूछा, क्या आप हमेशा से अकाउंटेंट ही बनना चाहते थे? इस पर जितेंद्र ने जवाब दिया, नहीं, मेरा सपना था कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा। इसके लिए मैंने कई बार एनडीए का एग्ज़ाम भी दिया पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। वैसे सर, मैंने सुना है कि आपने भी एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था, क्या ये सच है? जितेंद्र के सवाल का जवाब देते हुए अमिताभ बच्चन ने बताया, जब मेरी स्कूलिंग पूरी हुई तो उस समय मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूँगा। मैं पहले अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहता था और हमारे घर के पास में आर्मी के मेजर जनरल रहते थे। एक बार वो मेरे घर आए थे और मेरे पिताजी से कहने लगे, इसे आर्मी में क्यों नहीं भेजते, देखना ये एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। लेकिन मैं एयरफोर्स में जाना चाहता था। जब मैं इंडियन एयरफोर्स का इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने मुझे मेरे लंबे पैरों की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। अमिताभ बच्चन ने अपना बॉलीवुड डेब्यू साल 1969 में आई फिल्म सात हिंदुस्तानी से किया था। हालांकि उन्हें पहचान 1971 में आई राजेश खन्ना की फिल्म आनंद से मिली थी। अपने 54 साल के करियर में बिग बी ने करीब 200 फिल्में की है। 20 अक्टूबर को अमिताभ की नई फिल्म गणपत रिलीज हुई है। इसमें उनके साथ टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन ने काम किया है। वहीं कौन बनेगा करोड़पति की बात करें तो ये टीवी के पॉपुलर शोज में से एक है। साल 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी और तभी से अमिताभ बच्चन इसे होस्ट कर रहे हैं। शो के सीजन 5 को शाहरुख ने होस्ट किया था। हालांकि दर्शकों ने वापस बिग बी को इसमें लाने की मांग की थी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।